हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। आज के इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप टेलीकॉम फील्ड में हैं या फिर आप नेटवर्किंग फील्ड के अंदर हैं या फिर आप सिक्योरिटी सिस्टम में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी आईपी एड्रेस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी मेरा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एड्रेसिंग, एड्रेसिंग क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज़ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। उसके बाद हम जानेंगे कि IPv4 और IPv6 ये दोनों में क्या फ़र्क होता है। देन व्हाट इज़ पब्लिक आईपी एड्रेस एंड व्हाट इज़ प्राइवेट आईपी एड्रेस। फिर फाइनली हम जानेंगे कि आईपी एड्रेस जो है उसके कितने क्लासेज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एड्रेसिंग क्या होता है। और बेसिकली एड्रेसिंग जो है वो दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा फिज़िकल एड्रेस एंड देन दूसरा हमारा है लॉजिकल एड्रेस। अगर हम फिज़िकल एड्रेस की बात करें तो आपके जितने भी डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल या फिर आपके, अगर आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो अगर आपके आईपी कैमरा या फिर आपके एनवीआर, सबका एक एड्रेस होता है, फिज़िकल एड्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, और वो होता है 48 बिट्स का। अगर हम लॉजिकल एड्रेस की बात करें तो लॉजिकल एड्रेस के अंदर आता है हमारा आईपी एड्रेस। और फिर फर्दर आईपी एड्रेस जो है वो दो तरह के होते हैं, जिसमें है हमारा IPv4 और दूसरा आता है IPv6। तो चलिए हम जानते हैं कि IPv4 और IPv6 ये दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम IPv4 को समझते हैं। IPv4 जो है उसका जो लेंथ होता है वो 32 बिट का होता है, और IPv4 की जो IP है वो 4 ऑक्टेट में होती है, 4 ऑक्टेट की IP होती है उसकी। और उसका IP का जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 तक की IP की रेंज होती है। इसके अंदर जो टोटल IP है वो ऑलमोस्ट 4 बिलियन IP है। और IPv4 की जो IP लिखी जाती है कुछ इस तरह से लिखी जाती है, 192.168.1.100। ये IPv4 की एक IP है, आप देख पा रहे होंगे 4 ऑक्टेट में लिखी हुई है। और जब हम IP लिखते हैं तो हर ऑक्टेट को हम डॉट से सेपरेट करते हैं, और ये जो IPv4 की IP लिखी जाती है वो डेसिमल नंबर में, डेसिमल फॉर्म में लिखी जाती है। अगर हम IPv6 की बात करें तो IPv6 का जो लेंथ होता है वो 128 बिट्स का होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, 8 ऑक्टेट होते हैं, 8 ऑक्टेट से मिलकर IPv6 बनता है। और IPv6 का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर FFF तक, ये जो है ये हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 65,535, इसका इतना बड़ा रेंज है तो आप समझ सकते हैं। और इसके अंदर जो आईपी एड्रेस है ऑलमोस्ट 340 ट्रिलियन, बहुत ही काफ़ी तादाद है। अगर एक पर्सन 10 IPv, 20 IPv यूज़ करे तो भी मतलब बहुत काफ़ी है, तो भी IP कम करने वाला नहीं है। अगर हम IPv6 के की बात करें, अगर इसके लिखने की बात, तो इसको देखिए, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और इसे हम जो सेपरेट करते हैं हर ऑक्टेट को वो कॉलन से सेपरेट करते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो IPv6 जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये बेसिकली कुछ IPv4 और IPv6 के अंदर डिफरेंस है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि IPv4 IPv6 क्या होता है, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं आईपी एड्रेस को कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो बेसिकली आईपी एड्रेस का जो पूरा नाम होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ये क्या होता है, ये एक हर डिवाइस का ये एक यूनिक नंबर होता है। आपके पास जितने भी डिवाइस होते हैं, आपके पास कंप्यूटर या फिर आपके पास लैपटॉप, आपके मोबाइल, सारे डिवाइस की एक आईपी होती है, एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस जो क्या यूनिक होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स का होता है और वो 4 ऑक्टेट के अंदर होता है। आईपी एड्रेस जो हम लिखते हैं वो डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, और उसको हम डॉट से सेपरेट करते हैं। तो ये बेसिकली आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है। चलिए हम IPv4 एड्रेस को और अच्छे से समझते हैं। बेसिकली IPv4 जो है वो फर्दर दो तरह का होता है, जिसमें पहला है आपका प्राइवेट आईपी एंड देन दूसरा आता है आपका पब्लिक आईपी। अगर हम प्राइवेट आईपी की बात करें तो प्राइवेट आईपी का इस्तेमाल जो है वो लैन में होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है। सपोज दैट आपके पास 100 कंप्यूटर हैं और सारे कंप्यूटर को आप की नेटवर्किंग करना चाहते हैं, सारे कंप्यूटर को आप आईपी असाइन करना चाहते हैं, तो आप उसको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं, आपके पास 50 कैमरा है या फिर आपके पास 100 कैमराज हैं, तो
तो आप उसको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस के हेल्प से आप इंटरनेट के ऊपर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम दूसरी तरफ पब्लिक आईपी की बात करें तो पब्लिक आईपी जो क्या है, आपको परचेस करना पड़ता है, और जब भी आप इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हैं तो आप पब्लिक आईपी के ही हेल्प से आप इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि ये जो प्राइवेट आईपी है उसका रेंज क्या होता है, जिस आईपी को हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं तो उसके रेंज को हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस का ये रेंज है, हम आपको इसके क्लासेस के बारे में आगे की स्लाइड में बताएंगे, फिलहाल आप यहाँ पे इसके रेंज को समझ लीजिए। अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस का जो रेंज है वो 10.0.0 से लेकर 10.25.25, ये इसका जो है क्लास ए का रेंज है। अगर हम क्लास बी की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो 172.16.0.0 से लेकर 172.31.25.25, ये हमारा जो है ये क्लास बी का जो है आईपी एड्रेस का रेंज है। अगर हम क्लास सी की बात करें तो क्लास सी का जो रेंज आता है वो 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255, ये इसका रेंज होता है। तो इस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस रेंज का कोई भी आईपी आप एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क लार्ज नेटवर्क है, क्लास ए को लार्ज नेटवर्क कहा जाता है, तो अगर आपका नेटवर्क बड़ा है, बिग नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क है, तो आप क्लास ए की जो रेंज वह है आईपी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मीडियम रेंज है आपका नेटवर्क का, तो आप क्लास बी यूज़ कर सकते हैं। और क्लास सी को जो है वो इसको क्या है, स्मॉल नेटवर्क कहा जाता है। तो अगर आपका छोटा 50 या 100 कैमरा है या फिर 50-100 कंप्यूटर है तो आप क्लास सी के रेंज की आईपी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आईपी, जितने भी आईपी असाइन होते हैं वो आयाना इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी जो है वो इसको असाइन करती है, तो उसके थ्रू ये आईपी एड्रेस जो है, प्राइवेट आईपी एड्रेस ये असाइन किया गया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा पेड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम समझते हैं अब क्लासेज ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के कितने क्लासेज होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो एक्चुअली जो आईपी एड्रेस का जो क्लास है उसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो चलिए वन बाय वन हम समझते हैं सारे क्लासेस को कि कौन से क्लास के अंदर और किस क्लास की आईपी की रेंज क्या है, उसको वन बाय वन समझते हैं। अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए का जो आईपी का जो रेंज है वो है हमारा 1 से लेकर 126 के अंदर का जो रेंज है वो हमारा क्लास ए आईपी का है। अगर हम इसके फुल रेंज की बात करें तो 1.0.0 से लेकर 126.0.0 तक, ये इसका फुल रेंज है क्लास ए का। अगर हम क्लास बी के आईपी की बात करें तो इसका जो रेंज है वो 128 से लेकर 191। अगर हम इसके फुल रेंज की बात करें तो 128.0.0.0 से लेकर 191.255.0.0, ये इसका फुल रेंज है क्लास बी का। अगर हम क्लास सी की बात करें तो क्लास सी का जो रेंज है वो 192 से लेकर 223। अगर हम इसके फुल रेंज की बात करें तो 192.0.0 से लेकर 223.255.255.0, ये इसका फुल रेंज है। उसके बाद अगर हम क्लास डी की बात करें तो क्लास डी का जो आईपी का रेंज है वो 224 से लेकर 239, जिसका इस्तेमाल हम मल्टीकास्ट या फिर स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं। अगर हम क्लास ई की बात करें तो क्लास ई का जो रेंज है वो 240 से लेकर 255 तक का है। ये भी क्लास ई को भी फर्दर रिसर्च के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये दोनों आईपी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो बेसिकली नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये तीनों आईपी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आपने उसके रेंज के बारे में देखा, उसके कंप्लीट रेंज के बारे में आपने देखा कि कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद आता है एक 127 जो है ये हमारा लूप बैक एड्रेस है। ये 127 का जो है वो लूप बैक एड्रेस के लिए, जिसको हम स्पेशल एड्रेस के लिए इसको रिजर्व किया गया है। और सपोज दैट आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उस कंप्यूटर के अंदर आपका इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो आप जाएंगे रन कमांड के अंदर में और वहाँ पे पिंग करते हैं। अगर आप ये आईपी अगर आप पिंग करते हैं 127.0.0, तो वहाँ पे अगर आपको पिंग का रिप्लाई मिलता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, आपका NIC जो है वो परफेक्ट प्रॉपर चल रहा है,
आपके इंटरनेट में कुछ ना कुछ, जहाँ से आपका इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम है, आपका NIC परफेक्ट चल रहा है, तो उस चीज़ के लिए जो लूप बैक एड्रेस के लिए जो है ये 127 का जो ये पूरा रेंज है उसको रिजर्व किया गया है, ताकि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आए कभी इंटरनेट के अंदर तो आप पिंग के अंदर, रन कमांड के अंदर, वहाँ पर पिंग करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके NIC के अंदर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो इंटरनेट जहाँ से आ रहा है इंटरनेट के अंदर आपका इंटरनेट डाउन हो गया है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो उसी पर्पस के लिए ये पूरे सीरीज को रिजर्व रखा गया है, तो हम लोग 127 के जो रेंज की IP है वो भी यूज नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, IP एड्रेस को थोड़ा और डीपली समझते हैं। बेसिकली ये जो IP एड्रेस होता है, तो IP एड्रेस के अंदर दो पार्ट होता है, जिसके अंदर होता है हमारा नेटवर्क ID और होस्ट ID। ये IP एड्रेस जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर पहला पार्ट होता है नेटवर्क ID और दूसरा होता है हमारा होस्ट ID। ये दो पार्ट से मिलकर बनता है। चलिए हम एक IP एड्रेस लेते हैं, क्लास C की हमने एक IP एड्रेस लिया है 192.168.1.100। हमने आपको बताया जब कोई भी IP हम क्लास C की लेते IPv4 की लेती हैं तो उसका क्या होता है, 4 ऑक्टेट होता है, 4 ऑक्टेट में हम लिखते हैं, जिसमें आपका ये पहला ऑक्टेट 192, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट और ये चौथा ऑक्टेट, ये हमारा 4 ऑक्टेट है, और हर ऑक्टेट जो है वो 8 बिट्स से मिलकर बना होता है। तो ये देखिए, अगर आप ये सबको कैलकुलेट करेंगे 8+8+8+8, तो आपका ये हो जाएगा टोटल 32। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी IP एड्रेस जो होती है IPv4 की वो 32 बिट्स की होती है, और हर ऑक्टेट जो हमारा होता है वो 8 बिट का होता है, और ये जो IP है वो 4 ऑक्टेट से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से करके हमारा 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है। अगर हम एग्जांपल ले, अगर क्लास B के IP की बात करें, तो ये देखिए हमारा 20.100.200.15, हमारा ये जो 20 है ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट और ये हमारा चौथा ऑक्टेट, और इसको हम डॉट से सेपरेट करते हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं कि क्लास A के अंदर हमारा नेटवर्क ID जो है वो कितने ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क पार्ट के लिए रिजर्व किया गया है, और कितना जो है हमारा होस्ट ID के लिए जो रिजर्व किया गया है। क्लास A, क्लास B, क्लास C को वन बाय वन समझते हैं। तो अगर हम क्लास A की बात करें, तो क्लास A के अंदर देखिए, हमने आपको बताया कि 4 ऑक्टेट है, आप ऐसा एक ब्लॉक बना लेंगे जिसके अंदर 4 बॉक्स बना लीजिए, ये आपका पहला ऑक्टेट हो गया, ये आपका हो गया दूसरा ऑक्टेट, ये हो गया आपका तीसरा ऑक्टेट, एंड ये आपका हो गया चौथा ऑक्टेट। तो क्लास A के केस में जो है पहला ऑक्टेट जो है वो आपका नेटवर्क ID के लिए रिजर्व किया गया है, और बाकी के जो 3 ऑक्टेट हैं वो होस्ट ID के लिए रिजर्व किया गया है। अगर हम क्लास B की बात करें, तो क्लास B के अंदर पहला जो 2 ऑक्टेट है वो नेटवर्क ID के लिए रिजर्व किया गया है, और जो बाद के 2 आपके ऑक्टेट हैं वो होस्ट ID के लिए रिजर्व किया गया है। अगर वैसे ही हम बात करें क्लास C की बात अगर करें, तो क्लास C के केस में जो पहले के जो 3 ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क ID के लिए रिजर्व किया गया है, और लास्ट का जो 1 है वो होस्ट ID के लिए रिजर्व किया गया है। आई होप ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लास A के केस में जो पहला ऑक्टेट है वो नेटवर्क है, बाकी के 3 जो हैं वो होस्ट है। अगर हम क्लास B की बात करें, तो क्लास B में जो पहला 2 ऑक्टेट है वो नेटवर्क ID है, और जो लास्ट का 2 है वो होस्ट ID है। अगर हम क्लास C की बात करें, तो पहला 3 नेटवर्क ID और चौथा जो है वो आपका होस्ट ID है। तो आपको सिंपली जो नेटवर्क जो ID है जो वो जो रिजर्व किया गया, आपको सिर्फ उसको जहन में रखना है, तो ऑटोमेटिक आपको होस्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो क्लास A के केस में पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व किया गया है, क्लास B के केस में पहला जो 2 ऑक्टेट है उसको रिजर्व किया गया है। अगर हम क्लास C की बात करें, तो उसमें जो पहला 3 है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व किया गया है, और लास्ट वाला जो है वो होस्ट के लिए रिजर्व किया गया है। नेटवर्क बीट जो है उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखेंगे तो नेटवर्क बीट जो है जहां पे भी होगा नेटवर्क बीट, तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा होस्ट बीट होगा उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको नेटवर्क ID और ये होस्ट ID के बारे में पता चला होगा, और हमारे जो IP एड्रेस होते हैं वो नेटवर्क ID और होस्ट ID से मिलकर बना होता है। तो चलिए आगे और समझते हैं, तो और भी आपको क्लियर होएगा IP एड्रेस के बारे में। सपोज दैट आपको कोई एक IP एड्रेस दे दिया जाए, और आपको बोला जाए कि उसका नेटवर्क ID फाइंड करने के लिए, सपोज दैट एक हमने IP एड्रेस लिया, ये देखिए हमारा ये क्लास A की IP एड्रेस है, ये क्लास A की IP एड्रेस है 10.25.16.45, ये हमारा क्लास A की IP एड्रेस है। और इसके अंदर अगर आपको कहा जाए कि नेटवर्क ID फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे,
क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी आईपी एड्रेस होता है तो उसके अंदर एक नेटवर्क आईडी पार्ट होता है, दूसरा होस्ट आईडी, ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि नेटवर्क आईडी अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली आपको ये जो आईपी है उसको ऑक्टेट के फॉर्म में लिख देना है। ये पहला ऑक्टेट 10.25.16.45, आपको ऑलरेडी पहले बताया क्लास ए के केस में पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड है और बाकी के जो तीन ऑक्टेट हैं वो होस्ट के लिए रिजर्व्ड है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका पहला ऑक्टेट है सिंपली जो नेटवर्क वाला जो ऑक्टेट है नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड है वो आईपी को एज इट इज़ लिखना है और बाकी जितने भी होस्ट वाले जो पार्ट वाले जो आईपी है उसको जीरो कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर पहला ऑक्टेट जो हमारा नेटवर्क का है 10, हमको सिंपली यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख देना है और बाकी के जितने भी है होस्ट वाले उसको ज़ीरो कर देना है आपको। ये देखिए 25 को हमने ज़ीरो कर दिया, यहाँ पे 16 को हमने ज़ीरो कर दिया और ये 45 इसको भी ज़ीरो कर दिया। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा नेटवर्क आईडी। एक बार फिर से समझिए, आपके जितने भी नेटवर्क वाले जो ऑक्टेट हैं उसको एज इट इज़ नोट करना है और होस्ट आईडी के जितने भी ऑक्टेट हैं उसको ज़ीरो कर देना है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा। चलिए क्लास बी को समझते हैं। हमने एक आईपी लिया क्लास बी का 129.20.15.10, सिंपली आपको ऐसे लिख देना है 129.20.15.10। आपको पता है कि क्लास बी के केस में पहला जो दो ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है और लास्ट वाला जो दो है वो होस्ट के लिए रिजर्व है। तो हमें क्या करना है सिंपली कि जो ये पहला ऑक्टेट है, पहला ऑक्टेट का जो हमारा जो नेटवर्क वाला जो ऑक्टेट है उसको एज इट इज़ नोट कर देना है। यहाँ पे ये देखिए 129 होगा, 129 हमने नोट कर दिया। फिर यहाँ पे जो ये 20 है इसको एज इट इज़ यहाँ नोट कर देना है और बाकी जो ये 15 है इसको ज़ीरो होस्ट वाले पार्ट को, और ये देखिए ये जो 10 है इसको भी हमें ज़ीरो कर देना। जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा। वैसे ही हम अगर क्लास सी की बात करें तो हमने एक आईपी लिया है 192.168.1.10, इसको ऐसे लिख देते हैं 192.168.1.10। आपको पता है क्लास सी के केस में जो पहला तीन ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड है, नेटवर्क वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज़ लिखना है और होस्ट वाले पार्ट को जीरो कर देना है। तो ये देखिए वो 192 को हमने एज इट इज़ 192 लिख दिया, 168 को एज इट इज़ हमने 160 लिख दिया, 1 को ये हमारा नेटवर्क वाला पार्ट है तो नेटवर्क वाले पार्ट को एज इट इज़ नोट कर देना और होस्ट वाला जो पार्ट है उसको ज़ीरो कर देना। जो रिजल्ट आएगा वो आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप किसी भी आईपी एड्रेस का आप नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज दैट आपको एक आईपी दे दिया जाता है और आपको उसके अंदर कहा जाता है कि उसका सबनेट मास्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि जब भी आप आईपी एड्रेस लिखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको आईपी एड्रेस होता है, आपका सबनेट मास्क होता है और आपका डिफॉल्ट गेटवे होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि सबनेट मास्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम एक क्लास ए की आईपी लेते हैं। ये हमने एक क्लास की आईपी लिया 10.25.16.45, इसको इस फॉर्म में लिख लेना है 10.25.16.45। आपको पता है पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए है और बाकी का जो तीन है वो होस्ट के लिए है। सिंपली आपको क्या करना है, पहला ऑक्टेट जो नेटवर्क वाला पार्ट है वो सबको आपको वन कर देना है। ये बेसिकली ये बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये 8x1 है। तो ये जो फर्स्ट आपका ऑक्टेट है नेटवर्क वाला उसको वन कर देना है और बाकी जो होस्ट वाला पार्ट है उसको जीरो कर देना। बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे 000 तो ये बेसिकली 8x0 होगा, ये 8x0 है। तो ये सबको ज़ीरो कर देना है आपको होस्ट पार्ट को। फिर जब हम आप इसको कन्वर्ट करेंगे अगर डेसिमल फॉर्म में, अगर आप ये 8x1 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कुछ 255 हो जाएगा और फिर ये ज़ीरो जो है तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा यहाँ, फिर ये ज़ीरो जो है आपका ये ज़ीरो और फिर ये आपका ज़ीरो। तो ये आपका जो सबनेट मास्क हो गया 10.25.16.45 क्लास ए के आईपी के लिए 255.0.0, ये आपका सबनेट मास्क हो गया क्लास ए के लिए। अगर हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी के केस में भी क्या है, हमने एक आईपी लिया 129.20.15.10। इसमें जो दो होता है ऑक्टेट होता है, पहला दो ऑक्टेट वो नेटवर्क पार्ट होता है और बाकी लास्ट का जो दो है वो होस्ट होता है। आपको क्या करना है, जो पहला शुरू का दो ऑक्टेट है नेटवर्क पार्ट का उसको वन कर देना है और बाकी को जीरो कर देना है। अगर इसको हम वन वन करते हैं तो ये 255 होता है, ये 255 हो जाता है और ये होस्ट वाला जो है तो ये 000 हो जाएगा। तो ये जो आपका जो रिजल्ट आता है तो ये आपका सबनेट मास्क हो गया। वैसे ही अगर हम क्लास सी की बात करें तो क्लास सी के केस में हमने एक आईपी लिया 192.168.1.10। तो आपको वैसे ही करना है कि आपका जो नेटवर्क पार्ट है, नेटवर्क पार्ट को आपको क्या है वन कर देना है और बाकी होस्ट पार्ट जो है उसको जीरो कर देना है। तो इसको करेंगे आप, नेटवर्क पार्ट को वन करेंगे तो ये 255.255.255.0, तो ये आपका जो है वो 255.255.0 आपका सबनेट निकल जाता है।
तो इस तरह से करके आप किसी भी आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क निकाल सकते हैं आसानी से। सपोज दैट आपको कोई आईपी एड्रेस है उसको आपको पता लगाना है। अगर कोई आईपी एड्रेस है तो हम आईपी एड्रेस का जो पता लगाते हैं, सपोज दैट ये देखिए ये एक आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास में आता है ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो वो फाइंड आउट करने के लिए जो आप उसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो आपका ये पहला ऑक्टेट होता है, ये पहले ऑक्टेट से डिसाइड होता है कि वो जो आपकी आईपी है वो किस रेंज की आईपी है, क्लास ए की है या क्लास बी की है या क्लास सी या क्लास डी की आईपी है। देखिए हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके एक आईपी हम लिखते हैं यहाँ पे। ये देखिए एक आईपी लेते हैं, यहाँ पे एक आईपी लिखते हैं 192.168.20.100। अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन से क्लास की आईपी एड्रेस है तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सिंपली बस एक चीज़ जहन में रखना है कि आपको जब भी कोई आईपी एड्रेस दिया जाए और आपको पता करना है कि ये कौन से क्लास के अंदर की आईपी है, ये कौन से क्लास के अंदर आता है, तो सिंपली आपको फर्स्ट जो ऑक्टेट होता है वो आईपी की, आपको फर्स्ट ऑक्टेट देखना है कि उसका रेंज क्या है। आपको फर्स्ट ऑक्टेट से डिसाइड होता है कि वो क्लास ए की आईपी है, क्लास बी की है या क्लास सी की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 192, तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली यहाँ पे इसमें आ जाना है यहाँ पे, और देखिए ये 192 की जो सीरीज है वो क्लास सी की आईपी है। तो ये जो आईपी लिखी हुई है ये हमारी आईपी जो है क्लास सी की आईपी है। तो जो हमारा जो क्लास जो डिफाइन होता है वो पहले ऑक्टेट से डिफाइंड होता है, ये हमेशा आपको ध्यान देना है। चलिए एक और हम आईपी लिखते हैं, फिर आपको बताना है कि ये कौन से क्लास की आईपी है। 10.20.50.100 बताइए आप कि ये कौन से क्लास की आईपी है। आई होप आप बहुत ही आसानी से पता लगा लेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे पहले ऑक्टेट को देखना है कि पहले ऑक्टेट का जो रेंज है वो क्या है। ये 10 है तो आपको देखिए यहाँ पे जो 10 किसके अंदर आता है, 1 से लेकर 126 तक के बीच में आता है 10, तो इसलिए ये जो आईपी है वो क्लास ए की आईपी है। तो इस तरह से करके आप क्लासेस के बारे में कि कौन से क्लास की आईपी है आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आई होप ये आपको आईपी का कॉन्सेप्ट पता चला होगा, ये आईपी के बारे में आप आसानी से पता लगा पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ सजेशंस हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।